तो अंतिम प्रकार केमिकल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सभी प्रकार में सबसे आसान है यही। ऑक्सीडेशन को पहले समझते हैं। ऑक्सीडेशन ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन अवशोषित होता है, ऑक्सीजन ऑब्जर्व किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है कॉपर का दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसमें ध्यान दीजिए, कॉपर ने ऑक्सीजन को प्राप्त किया, कॉपर ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, इसलिए यह ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन है। दूसरा है रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन लॉस किया जाता है। जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन की प्रक्रिया में अपना ऑक्सीजन लॉस करता है, त्याग करता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं। इसी को अगर हम उल्टा कर दें, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करते हैं तो कॉपर अपना ऑक्सीजन लॉस करता है और वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन करता है। एक और बात समझने योग्य है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग चलने वाली रासायनिक क्रिया नहीं है। ये सिर्फ अलग अलग होने वाला केमिकल रिएक्शन नहीं है, साथ साथ होने वाला केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि जब दो एलिमेंट अथवा कंपाउंड के बीच केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें अगर कोई एक ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो उस ऑक्सीजन को कोई दूसरा गेन करेगा। अर्थात अगर किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी में शामिल दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन होगा। ये साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, इसको ध्यान से देखिए। एक ही अभिक्रिया में कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस किया, इस ऑक्सीजन को इसी के साथ रिएक्ट करने वाले हाइड्रोजन ने गेन किया, और यहाँ भी पहले रिएक्शन में भी वही बात देखने को मिलती है। तो हमारा केमिकल रिएक्शन के प्रकार का टॉपिक समाप्त हो गया। इसके आगे छोटा सा पाठ है, इसे आप फोन भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।